तो खो खो गेम बच्चों को किस प्रकार सिखाएं, बच्चे जो घर पर प्रैक्टिस कैसे करें खो की, क्योंकि स्कूलों में तीसरी क्लास का जो बच्चा है उसको खो खो सिखाया जा सकता है, लगभग 8-9 साल उम्र हो जाती है बच्चे की। तो खो खो क्योंकि मिट्टी का खेल है, तो अगर घर पर अकेले अभ्यास करना हो बच्चे को किस प्रकार करे जो खो, क्योंकि बच्चे गलती क्या करते हैं, सीधे खड़े होते हैं जब खो दी जाती छोटे बच्चों को, बार बार वो गलत दिशा में चले जाते हैं, क्योंकि जो चेजर है वो अपने डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता फ्री जोन से पहले, उस पर रिस्ट्रिक्शन होती है। तो किस प्रकार बच्चों को स्टेट लेनी सिखानी है खो खो के अंदर, जो स्टेट बच्चा किस प्रकार लेगा, तो इस पर एक छोटी सी क्लिप बनाएंगे। तो जैसी खो बोला जाए सीधा खड़ा होगा, स्टेट लेगा खो 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 क्योंकि जो बच्चा है वो गलती क्या करते हैं, रनर क्यों किसी साइड में जाया था कि अगर बच्चे सीधे खड़े होकर भाग लेते हैं, तो अगर बच्चा अकेला है, अगर दो बच्चे हैं तो एक दूसरे को खो दे सकते हैं, अगर अकेला है तो वो क्या करेगा, अभी शैन करके दिखाएगा, अपने आप खो बोलेगा, खड़ा होगा, स्ट्रेट लेगा, बैठेगा, फिर खो बोलेगा, उठेगा। अकेला बच्चा भी खो खो का अभ्यास कर सकता है, खड़ा होगा, स्ट्रेट लेगा, सीधा चलेगा बच्चा, वापस बैठेगा, खो, स्ट्रेट लेगा, चलेगा। तो इस प्रकार क्योंकि खो का है मीनिंग क्या, असल में जो टच होते ही बच्चे ने खड़ा होना होता है, टच देन खो। कई बार खो बोल दिया जाता है, गलत सीख जाते हैं बच्चे, दूर से खो बोल देते हैं, बच्चे खड़े होते हैं, रियलाइज की बार बार गलती करते हैं। तो बच्चों को खो खो सिखाने के लिए खो खो किस प्रकार सिखा सकते हैं, क्योंकि स्कूलों में खो खो कराते हैं छोटे बच्चों को, जैसे मैं खुद भी सिखाता हूं तो प्रॉब्लम आती है, बच्चे भी मिस्टेक करते हैं। तो बच्चों को इस प्रकार बच्चे चाहे अपने एक सर्कल बना सकते हैं, दो सर्कल बना के रख लें, एक सर्कल में से खड़े हो स्ट्रेट लें, दूसरे सर्कल में बैठ जाएं, चाहे दो बच्चे हों या तीन बच्चे हों तो वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर। जो बहन भाई कई बार एक स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, एक एज के होते हैं, तो वो सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों का अभ्यास करवाएं। दोबारा फिर हम छोटा सा डेमो देंगे। तो अब अकेला कैसे करेगा इसका, शैन दोबारा डेमो देगा, खो, सीधा बैठेंगे, फिर दोबारा उठेंगे, क्योंकि अगर बिना बैठे आप उठ जाते हो, बाई चांस खो दिया है, वापस खड़ा रहा, खो मिला, तो ये भी अर्ली राइज के अंदर आता है। तो इस प्रकार बच्चों को मोटिवेट करें, चैनल को सपोर्ट कीजिए, MS गिल फिजिकल एंड फिटनेस क्लब यूट्यूब और फेसबुक पेज दोनों पर आप सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपको और मिले। बच्चों को खो खो खेल क्यों आना चाहिए, क्योंकि खो खो खेल है जो मिट्टी खेल है, खो खो कबड्डी, खो खो कबड्डी खेलने वाला बच्चा हमेशा फिट रहता है, फिट नहीं होता। दूसरा, बच्चे डाइव लगाते हैं, थोड़ी बहुत चोटें लगती हैं, उनके ऑपरेशन होते हैं, छिलते हैं बच्चे, कहीं ना कहीं उनके हाथ पैर छिल जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चे स्ट्रोंग होते हैं, वो छोटी मोटी पीड़ाओं को बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। और कई बार क्या, आज का जो युग है एसी का युग है, तो बच्चों को बीमार करने का युग है ये एसी का, क्योंकि जो बच्चे एसी के हैं इनकी औसतन एज अपने आप ही ऑटोमेटिक आगे आने वाले समय में कम होगी। हम ये नहीं कहते कि ऐसा हो या एसी के खिलाफ है, क्योंकि जितनी हम फैसिलिटी शरीर को, हम जितना शरीर को हम सॉफ्ट बनाएंगे, वो इतना धीरे धीरे काम करना वो बंद होगा, उसकी उम्र वैसे घटती जाएगी। तो शरीर को जितना मजबूत बनाएंगे, अब ये जो बच्चा ये 3 साल का है, सिर्फ इसको तैयार करें, क्योंकि शैन के साथ ज्यादा लगाव है, भाई के साथ बड़े के साथ इसको ले आते हैं, ताकि ये भी करे, अब जैसा उल्टा सीधा करेगा ये सीख जाएगा। तो ये खो खो का डेमो था छोटा सा, खो देने का। धन्यवाद।